तो मैं अपने दोस्त के यहाँ घूमने आया था, जो मेरा दोस्त है विक्की। तो विक्की बोल रहा है कि अभी मेरा एक सामान आने वाला है कोरबा से, बस स्टैंड अंबिकापुर के बस स्टैंड में, मोबाइल वगैरह, तो उसी को लेने के लिए जाना है। तो बोला कि चलो मेरे साथ। तो मैं बोला चल, ऐसे भी ऐसे घूमने आया था तो चड्डा में आया था। तो बोले चलो, तो मैं चलो चलते हैं, अभी एक नया ब्लॉग बन जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, अभी बस स्टॉप पे आ गया हूँ। अंबिकापुर लगभग मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, और मेरे दोस्त के साथ आया हूँ रिसेंटली। मेरा दोस्त पीछे इंतज़ार कर रहा है बस का, 4 दिनों में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन यह है अंबिकापुर का और बस स्टेशन। तो इसी तरह से मेरे ब्लॉग पर बने रहेगा, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ अंबिकापुर का बस स्टैंड कैसा है, पूरा चढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इतना सारा बस लगा हुआ है, और यहाँ से ना पूरा बहुत दूर दूर तक जाता है, बैकनपुर, रायपुर, बिलासपुर, हर जगह जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें वगैरह खुला हुआ है। तो चलिए ऊपर दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पे सभी कंडक्टर, ड्राइवर, 14 प्रकार के सब कुछ है। और क्या हुआ ना, कुछ देर पहले इतना बारिश हुआ, देखिए ना हर जगह पानी ही पानी है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ, और बहुत जोर जोर से पानी गिरा था, मतलब पूरा भीग। तो भाई ये है अंबिकापुर का बस स्टेशन, और यहाँ पे खेलना वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पे एक भैया चना खजूर वगैरह बेच रहे हैं। और भैया कैसे कैसे एक चना दे रहे हैं? चना मटर 10 रुपया। चलिए अच्छा अच्छा जा रहा है ना आपका धंधा, ठीक है ठीक है। एक मिनट, पानी कितना टाइम गिरना है? 15 आएगा। चलिए, तो ये रहा आपका अंबिकापुर का सबसे बड़ा बस। आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा मिठाइयाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ अंबिकापुर का बस स्टैंड ऊपर से कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े का दुकान वगैरह खुला हुआ है, सेल लगा हुआ है, 250 रुपये कुछ रुपये मिले हैं। अंबिकापुर देखिए, अंबिकापुर का बस स्टैंड ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आता है, बहुत ही बड़ा है यार। और यहाँ पे दुकान लगा हुआ है, 250 रुपये में कपड़ा वगैरह मिलता है। चलिए आगे दिखाता हूँ कौन कौन सा दुकान लगा हुआ है। छोटा सा रेस्टोरेंट भी है ऊपर, आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं, अच्छा अच्छा मिलता है। और ये है भाई कुछ इस प्रकार से है, तो जो भी मेरे तो भाई अंबिकापुर का बस स्टैंड कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अभी यात्रीगण अपने अपने मंजिल को जाने के लिए बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अपने बस का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी अपने अपने घर जाने के लिए, कोई अपने घर जाएगा, कोई अपने जॉब के लिए जाएगा, कोई कहीं किसी से मिलने के लिए जाएगा। तो भाई कहाँ घुसा दे रहे हैं, तो अभी तो बस का आने का इंतज़ार कर ही रहा हूँ। तो अब दिखाता हूँ कि बस स्टैंड में कौन कौन सा दुकान लगा हुआ है। अब देखिए फ्रूटी, फल वगैरह का सभी प्रकार का दुकान लगा हुआ है। आप YouTube आ रहे हो क्या? हाँ भैया, आप ही का वीडियो देख रहा हूँ, देख लो। अरे भाई हाँ, दिखा 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 दिखा। ये देख लो, मजाक नहीं, आप ही का देखो। क्या ही बताऊँ भाई, थैंक यू भाई। आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो? एक नंबर भी, पूरा वॉच करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर। अरे भाई आप भी देखते हैं मेरा वीडियो? अच्छा लगा मेरा। चलिए, तो भाई मेरा सब्सक्राइबर मिला, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी इसी तरह से मेरा वीडियो को देखते रहेगा। आज तो ऐसा दिन ही बन गया भाई, क्या ही बताऊँ यार, मेरे वीडियो पे इतने लोग देखते हैं। तो भाई जिसका इंतज़ार था वो बस आ ही गया है, और मेरा दोस्त आगे के जा रहा है सामान लेने के लिए, चल जा रहा है। पानी इतना गिरा है ना कि क्या ही बताऊँ। कोरबा से सामान आया है मेरा दोस्त का, मोबाइल वगैरह, वो ही लेने के लिए आए हैं। आ गया है, चल भाई अब देखते हैं क्या है सामान। वैसे तो मोबाइल वगैरह मंगवाए हैं, तो मोबाइल ही हो सकता है।
भाई का सामान आ ही गया है, देखिए दिक्की दास लिखा हुआ है नाम से, उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं सामने का फ्रंट लिखा हुआ है। तो भाई को सामान मिल गया, भाई बहुत ही खुश है। इसके अंदर क्या है अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अंबिकापुर में देख ही सकते हैं कि अभी बस स्टैंड पर आ गए हैं। कहाँ जा रहे हैं यार? बस यहीं ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग बना रहे हैं? नया वीडियो देखा ना, बहुत अच्छा बना है। अरे भाई वीडियो देख लीजिए मेरा, अभी तुरंत देखा आपका, सब्सक्राइब भी करते भाई। देखिए अभी तुरंत ही मैं ब्लॉग बना रहा था। ये देखिए चैनल सब्सक्राइब भी है, कैमरा में नहीं भाई क्या होगा यार। तो मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, भाई को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक। और अभी शाम को फिर एक ब्लॉग आया है, ब्लॉग अपलोड करने वाला है। तो भाई क्या ही बताऊँ यार, दो तो सब्सक्राइबर मिल गए और मतलब कि क्या ही बताऊँ। अभी सामान मिल गया है और अब जा रहे हैं अंबिकापुर से बाहर। स्टेशन का जो सामान लेने आए थे वो सामान ले लिए हैं। अभी कहाँ पर जा रहे भाई? शॉप में, अभी एक शॉप में जाऊंगा। चलिए मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। ये बस स्टैंड का छोटा छोटा ठेला लगा हुआ अंडे का दुकान है। और ये जो सबसे अंबिकापुर का 4 साल से इसका काम चल रहा है, और जब ये बन जाएगा ना तो यहाँ पे फुल ब्लॉग बनाऊंगा एक। चलिए अभी चलते हैं यार, मॉल पीछे है देखिए बनने वाला है, और सामने मेरे ही बिरादरी का कोई मिल गया है। तो हेलो भाई, आप भी डिलीवरी करते हैं? हाथ लाइए, मैं भी डिलीवरी कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही को कहूँ, ठीक है, मैं भी सुबह आपके काम करता हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कितना मेहनत होता है आपको काम? बहुत मेहनत होता है भाई। भाई देख ही रहे हैं, दिन भर धूप में घूमना पड़ता है, पूरा धूप में दिन भर घूमना पड़ता है, और घर जा जा के मतलब डिलीवरी करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को अपना रोजी रोटी मिल पाता है। और सही बात है, अपने पेट के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं अपने पेट के लिए। सुबह से निकले देखे भैया, अभी तक नाश्ता वास्ता किया भी नहीं किया हूँ मैं अभी तक, और अभी भी पार्सल बहुत सारा बचा हुआ है। सुबह अभी 4:30 बज गए हैं, 4:30 भैया जल्दी काम निपटाइए और घर जाइए। तो एक बार मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए कि हम चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा, बैल सब दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, काम करिए। चलिए भाई, एक मेरे ही कैटेगरी के भाई मिल गए थे, जो मैं भी करता हूँ जो काम, वो भी भैया भी करते हैं, तो मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूँ। हम लोग कितना मेहनत करते हैं यार पैसों के लिए और अपने घर चलाने के लिए। तो जो भी आप लोग को मिलेगा ना ऐसे डिलीवरी बॉय वगैरह, तो उनका हमेशा सम्मान करिएगा। भाई शाम का टाइम है और ये रही मेरी चाय। शाम का आज शुरुआत चाय की चुस्की के साथ करता हूँ, ठीक है। तो ये अंबिकापुर का गांधी चौक है, वहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे टपरी पे चाय पी रहे हैं। क्या ही बताऊँ यार, इतना मस्त टेस्टी चाय है। नवीन वस्त्रालय जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कपड़ा क्वालिटी देते हैं। तो ये रहा दुकान का ऑनर, दुकान का ऑनर से परमिशन ले लिया हूँ और अभी आगे चलता हूँ कपड़ा लेने के लिए। मेरे दोस्त आगे चले गए हैं, कहाँ किधर गए आगे गए हैं, तो अभी चलते हैं देखते हैं कैसा कपड़ा मिलता है। तो ये रहा शॉप का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे बहुत ही सस्ते में कपड़ा वगैरह मिलता है बच्चों लोग का। और भाई कपड़ा लेने आ गए हैं यहाँ पे, अब देखते हैं कैसा कैसा कपड़ा दिखाते हैं। क्या हो गया क्या हो गया? हाय बोल दो बेटा, हाय बोल दो, हाय हाय, हाय बोल दो, हेलो हेलो। जब बात करना सीख जाओगे ना तो मेरे चैनल को देखना, ब्लॉग बनाता हूँ। भाई को इतना सारा कपड़ा दिखा चुके हैं, पसंद नहीं आया और दिखा और चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा, देखते हैं भाई को कौन सा कपड़ा पसंद आता है। हाँ जी, भाई को ये कपड़ा पसंद हुआ, बताऊँ क्या परेशानी क्या हो रहा है। ये इसके साथ ये वाला जच रहा है, इसके साथ ये वाला जच रहा है, और भाई कौन सा लगा कन्फ्यूज़ है।
और मैडम से बोल रहे हैं कि दूसरा मैचिंग करके दे दीजिए, तो मैडम बोले कि नहीं बनेगा। तो भाई देख रहे हैं कौन सा डिसाइड करते हैं कि लेने के लिए। हाँ ये वाला भी ठीक लग रहा है भाई, क्रीम कलर के हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाई इसी को डिसाइड किए हैं लेने के लिए। ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है, स्माइल लिखा हुआ है बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा कलर के साथ। और मेरे को तो ये लव मॉम बहुत ही अच्छा टैग लगा हुआ है, तो इसको पैक कर दीजिए, नीचे ला दीजिएगा, ठीक है। उसको पकड़ भाई, भूल जाता है, तू ही बोला कि साथ में लेकिन चलो चलते हैं। कपड़ा और बिलिंग का काम चल रहा है, बिलिंग के बाद निकलेंगे। भाई पैसा दे दिए हैं, अब निकलते हैं, उसको भी उसी में डाल देंगे। कितना का है? 345। बहुत ही सस्ता में कपड़ा मिला है, तो आप लोग भी आइएगा यहाँ पे। नवीन वस्त्रालय जो है ना, बहुत ही सस्ता दाम में कपड़ा वगैरह देते हैं, तो आप लोग भी जो भी मेरे चैनल पे देख रहे हैं ना वीडियो, वो आइएगा भाई की दुकान पे, और बहुत ही सस्ता में सामान मिलता है, वहाँ लीजिए परचेज करिए। तो भाई पार्सल ले लिए, भांजी के लिए कपड़ा भी ले लिए, और अभी आ गए हैं मल्चिंग लेने के लिए। मल्चिंग क्या है आपको बताता हूँ, जो खेती के लिए यूज किया जाता है, वो कैसा दिखता है और किस लिए यूज करते हैं, चलिए दिखाता हूँ आगे चल के। तो भाई यही दुकान है, इसी दुकान से अभी लेने वाले हैं मल्चिंग। तो भाई इसी को बोलते हैं मल्चिंग, और भाई मल्चिंग खरीद लिए हैं, और अंदर भाई बिल पे कर रहे हैं। बिल पे करने के बाद अभी घर निकलेंगे। तो भाई अभी लोड कर लिया, अभी घर के लिए निकलते हैं। हाँ तो भाई फाइनली अंबिकापुर से घर आ गए, और जो बस स्टैंड से जो कोरबा से सामान आया था उसका भी अनबॉक्सिंग हो रहा है। देखिए खोल रहा है अभी, कौन सा मोबाइल है इसके अंदर देखते हैं। चार्जर भी है क्या? अरे कुछ है, कवर है, ये कवर है, बहुत ही अच्छा पीस है भाई। इसके साथ तो और एक कवर लगाना है, चार्जर, केबल, चार्जर, हेडफोन, हेडफोन भी है, एमआई का बैंड। 3 है कि 4 है? 4 है अंदर, बाकी अच्छा। बाहर पेटी 3 4 चार्जर देख रहे हैं, बस इतना ही है। दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट पढ़ के मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए लिंक, और इसी तरह से मेरे ब्लॉग पर बने रहिए कंटिन्यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, ठीक है।